नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आजकल हम बाबा बालकनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन पर हैं और इस वक्त हम शातलाई में हैं। इस यात्रा से संबंधित कई वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं, आप सभी ने उन्हें देखा, उन्हें पसंद किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरी कोशिश है कि इस यात्रा से संबंधित हर पल को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इसके चलते मुझे इस यात्रा के वीडियो कई पार्ट में बनाने पड़ रहे हैं, जिसमें दिल्ली से चलकर रोपड़ स्थित भट्टा साहब गुरुद्वारे वाला वीडियो था, शातलाई में गुरना मंदिर और बट वृक्ष मंदिर से संबंधित वीडियो था, उसके आगे धर्मशाला में जो झंडा फेरी का पूजन हुआ, जो बाबा जी के झंडे का महंत श्री जोगिंदर जी महाराज के द्वारा पूजन किया गया, उसका वीडियो, और अब मैं शातलाई से चलकर बाबा बालकनाथ जी की पवित्र गुफा दिड़सी तक का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो आपको दो अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेगा। इस यात्रा से संबंधित सभी वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। उस लिंक के माध्यम से आप इस यात्रा के सभी वीडियो का आनंद ले पाएंगे। इस वक्त महंत श्री जोगिंदर जी महाराज गुरना झारी मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी के संपूर्ण जीवन का सारा विवरण बाबा बालकनाथ जी की अमर कथा में पढ़ा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान में कलयुग, और हर युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया, जैसा कि सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल, द्वापर युग में महाकौल के नाम से, और हर अवतार में उन्होंने गरीब और निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख दर्द और तकलीफों का नाश किया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी के गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उस वृद्ध स्त्री ने महाकौल जी को मानसरोवर झील के किनारे तपस्या करने की सलाह दी। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में वे सफल हुए। बालयोगी महाकौल को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच में एक सिद्ध प्रतीक के तौर पर पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी शिव ने उन्हें वरदान दिया। इसी चलते आज कलयुग में भी महाकौल जी को हम बाबा बालकनाथ के नाम से ही पुकारते हैं और उनके बालक रूप का ही हम पूजन करते हैं। पुजारी जी, मैं इस मंदिर के बारे में थोड़ा आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, आप इस बारे में कुछ बता पाएंगे? हाँ जी, इस मंदिर में जो है बाबा बालकनाथ जी ने जो है क्या बोलते रत्नोबाई की गायें चराई थी और यहाँ जो है तपस्या करते थे वो गायें चराते चराते, तो उस टाइम से जो है ये बाबा जी के साथ जुड़ा हुआ। तो यहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी? हाँ जी हाँ। और जो ऊपर
यहाँ से उड़े जो मोर पे बैठ के ऊपर ज्योतिष के लिए गए थे वो भी यहीं से गए। तो जो गोरखनाथ का प्रसंग था वो भी यहीं का था जब उन्होंने उनको चेला बनाना चाहा। और जो ऊपर वाले मंदिर का इतिहास है जिसमें छाज और रोटियों वाली बात है, हाँ जी वहाँ भी बाबा जी तपस्या करते थे और क्या बोलते 12 साल जो माता रत्नों ने खाना लेके आते थे वो उन्होंने बट वृक्ष में रखा हुआ था और लस्सी भी उन्होंने वही साइड में रखी थी। तो ऊपर वाले मंदिर का इतिहास भी है कि वहाँ 12 साल की रोटियों और लस्सियों और के लिए प्रसिद्ध है। जी जी ठीक है पंडित जी धन्यवाद। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियावाड़ में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णो वैश था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ में गिन्नार पहाड़ी में उनका सामना गुरु दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण की और सिद्ध बने। तभी से उनको बाबा बालकनाथ जी के नाम से जाना जाने लगा। गुरु दत्तात्रेय ही बाबा बालकनाथ जी के गुरु माने जाते हैं। बाबा बालकनाथ जी के दो पृथक साक्ष्य अभी भी इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण हैं, जिनमें से एक गरुण झाड़ी का पेड़। यह पेड़ अभी भी शातलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। और दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है जो कि बड़सर में स्थित है, जहाँ पर उन गाँवों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। जिसकी कहानी इस तरह है, एक महिला जिसका नाम रत्नो था ने बाबा जी को अपने गांव की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नो माई के द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाने की बाबा जी को याद ही नहीं रहा करती थी।
एक बार जब रत्नोमाई ने बाबा बालकनाथ जी की आलोचना की कि वह गायों की ठीक से ध्यान नहीं रखते, जबकि रत्नो बाबा जी के खाने का खूब ख्याल रखती है। रत्नोमाई का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी निकालकर उत्पन्न कर दी। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचार्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी जितनी भी महिला भक्त हैं गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए थे। गुरु गोरखनाथ ने भी अपने हजारों शिष्यों के साथ एक बार शातलाई में आकर बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला अपना शिष्य बनाने का एक असफल प्रयास किया था, लेकिन वो इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया और इस घटना के पश्चात बाबा बालकनाथ जी शातलाई को छोड़कर धौलगिरी पर्वत की पहाड़ियों में एक प्राकृतिक गुफा में जाकर रहने लगे। वहीं पर वो तपस्या करते थे और वहीं से वो अंतर्ध्यान हुए। आज हजारों की संख्या में संगत यहाँ पहुंचकर बाबा जी की उस गुफा का उस प्राकृतिक गुफा का दर्शन करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम भी इस यात्रा में शामिल होकर बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
I'm gonna make it.